हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज। नृत्य हमेशा से आम लोगों तक पहुंचने का एक बेहतर माध्यम रहा है। ये वेदों और पुराणों की कहानियों को उन लोगों तक पहुंचाने का माध्यम रहा है जो इसे पढ़ने में सक्षम नहीं थे। नृत्य को राजाओं का संरक्षण भी हासिल था, चाहे वो लोक नृत्य हो या शास्त्रीय नृत्य। दोनों विधाओं के जरिए आध्यात्मिक और नैतिक कहानियाँ सुनाने की परम्परा रही है। भारतीय संगीत नाट्य अकादमी द्वारा 8 तरह के शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है। ये 8 नृत्य भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, सत्रिया, कुचिपुड़ी और उड़ीसी है। तो आज हम भारत के शास्त्रीय नृत्य और कुछ लोक नृत्यों के बारे में जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। भरतनाट्यम, इसे सधीर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य कला में भावम, रागम और तालम, इन तीन कलाओं का समावेश होता है, इसीलिए इसे भरतनाट्यम नाम से जाना जाता है। ये नृत्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। ये नृत्य तमिलनाडु में काफ़ी प्रचलित है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। 20वीं सदी के शुरुआत में कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी के प्रयासों से इस नृत्य को दोबारा स्थापित किया गया। इस नृत्य की कुछ शैलियाँ चिदंबरम के प्राचीन मंदिरों की मूर्तियों में भी देखने को मिल जाती हैं। कथक नृत्य, ये नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। प्राचीन काल में कथक को कुसी लव के नाम से जाना जाता था। 19वीं सदी को कथक का स्वर्णिम दौर माना जाता था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में कथक को काफ़ी बढ़ावा मिला था। कथक राधा कृष्ण जी के जीवन के दास्तान बयां करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वर्तमान में पंडित बिरजू महाराज कथक के जाने माने नृत्यकार हैं। कथकली, ये केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसका उद्भव 17वीं शताब्दी में माना जाता है। यह नृत्य रामनाट्यम का विकसित रूप है। कथकली भारत के सबसे प्रसिद्ध और धार्मिक नृत्यों में से एक है। यह रामायण और शिव कथाओं की कहानियों से उत्पन्न होता है। इस नृत्य को करते समय लोग चेहरे पर मुखौटा और शरीर को पेंट करते हैं। इस नृत्य को तंपुरान राजा द्वारा संरक्षण मिला था। गोविंदन नायर को कला मंडलम गोपी के नाम से जाना जाता है, जो कथकली नृत्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। मणिपुर नृत्य, ये भारत के मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये नृत्य 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ था। ये नृत्य राधा कृष्ण की विषय वस्तु पर आधारित है। मणिपुरी नृत्य को लोकप्रिय बनाने में छावरी बहनों का काफ़ी अहम योगदान रहा है। कुचिपुड़ी नृत्य, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के देवी तालुका में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा है। गोलकुंडा के नवाब अब्दुल हसन कुतुब शाह ने इस नृत्य को संरक्षण दिया था। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी राजा, राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और भी काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार हैं। कुचिपुड़ी नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य का काफ़ी कठिन रूप माना जाता है। उड़ीसी नृत्य, ये उड़ीसा प्रांत का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का विस्तार गुरु केलुचरण महापात्रा जी ने किया था। उड़ीसी नृत्य का उल्लेख ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में दर्शाया गया है। उड़ीसी नृत्य को ओड़ीसी के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर में भी इस नृत्य की शैलियाँ देखने को मिल जाती हैं। गुरु केलुचरण महापात्रा जी का इस नृत्य को बढ़ावा देने में काफ़ी अहम योगदान रहा है। मोहिनीअट्टम, भारत के केरल राज्य के दो शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। मोहिनीअट्टम शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनीअट्टम का उल्लेख भारतीय नाट्य शास्त्र पुस्तक में भी मिलता है। सत्रिया नृत्य, ये भारत के असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य को वर्ष 2000 में भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ था।
इस नृत्य के संस्थापक श्री मंता शंकर देव जी हैं। इस नृत्य को वैष्णव मठों द्वारा संरक्षित किया गया था और यह नृत्य पौराणिक शिक्षाओं को प्रस्तुत करने का एक कलात्मक तरीका था। अब बात करते हैं भारत के कुछ लोक नृत्यों के बारे में जो त्योहारों और उत्सव के समय किए जाते हैं। महाराष्ट्र का लावणीय लोक नृत्य जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावणी महाराष्ट्र राज्य की लोक नाट्य शैली तमाशा का अभिन्न अंग है। लावणीय नृत्य वीरता, प्रेम, भक्ति और दुख जैसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बंगाल का छऊ लोक नृत्य, ये लोक नृत्य उड़ीसा और झारखंड में भी काफ़ी प्रचलित है। छऊ लोक नृत्य मुख्य रूप से क्षेत्रीय त्योहारों में प्रदर्शित किया जाता है। ज़्यादातर बसंत त्योहारों के चैत्र पर्व पे होता है जो 13 दिन तक चलता है। इस नृत्य में पूरा संप्रदाय भाग लेता है। इस नृत्य में लोग रंग बिरंगी वेशभूषा धारण करते हैं और सिर पे मोर पंख का मुकुट पहनते हैं और इस नृत्य में मार्शल आर्ट का उपयोग करते हैं। अभी हाल ही में छऊ नृत्य के मशहूर कलाकार धनंजय महतो जी का निधन हुआ है। इन्होंने छऊ नृत्य को दुनिया के सामने लाने का काफ़ी अहम योगदान दिया है। धनंजय जी ने आक्रमकता, आत्मसमर्पण, खुशी और दुख जैसे विभिन्न भावों को मिलाकर छऊ नृत्य को एक समृद्ध और अनोखे नृत्य के रूप में स्थापित किया था। बिहू नृत्य, ये भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है जो बिहू त्यौहार से संबंधित है। इस नृत्य का सबूत 1694 में राजा रुद्र सिंह के संरक्षण के समय मिलता है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं साथ नृत्य करते हैं। बागुरुम्बा लोक नृत्य असम का लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। भोरट नृत्य, ये भी असम राज्य का लोक नृत्य है जो बूढ़ा भगत सिंह द्वारा विकसित किया हुआ माना जाता है। वह एक प्रसिद्ध क्षत्रिय कलाकार थे। नारहरि बूढ़ा भगत जी ने इस नृत्य को काफ़ी बढ़ावा दिया था। आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं कोलाट्टम, विलासिनी नाट्यम और डेमसा। अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य में अजीलामू, लोपी और फेनिंग हैं। बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य कजरी और झुमरी, जिसमें लोग ऊंचे स्वर पे कजरी गाती हैं और उस नृत्य को प्रदर्शित करती हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नृत्य डंडारी, गेंदी, पंथी, कर्म, डमचेक हैं। गोवा के प्रसिद्ध लोक नृत्य मांडो, तालगारी, सुवरी, दसरवादन, कुनबी और फुगड़ी हैं। गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्य रास, भवई, तिपनी और गरबा हैं। गरबा मुख्य रूप से नवरात्रि पे किया जाता है। हरियाणा के प्रसिद्ध लोक नृत्य गुग्गा और खोरिया हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कुल्लू नाटी, नामजेन, हिकट और छम हैं। छम लोक नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है, इसे भूटान, नेपाल में भी किया जाता है। कश्मीर के लोक नृत्य दमहाल, कूद और रूफ हैं। कश्मीर का रूफ लोक नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है, इसमें लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी होकर नृत्य करती हैं। झारखंड का फगुआ काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य झूमर, भंगड़ा और गिद्दा हैं। राजस्थान के कालबेलिया, भवई, सपेरा नृत्य और घूमर काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य की बात करें तो इसमें रासलीला, चरकुला और नौटंकी हैं। तो ये थे भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय और लोक नृत्यों के बारे में। उम्मीद कि आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।